आई थिंक द स्पेलिंग ऑफ एबेडिकेशन हियर. अब इस लाइन का मीनिंग क्या बना? एबेडिकेशन मींस फेलियर टू परफॉर्म द टास्क, फेलियर टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेलियर टू फुलफिल द ड्यूटी. सो ही राइट्स अ टैग लाइन. ये लाइन आपको याद रखनी है. इन एनी वे ही मे आस्क दिस क्वेश्चन, डेलीगेशन डज नॉट मीन एबेडिकेशन. मीन्स अगर आपने किसी सीनियर ने अपने जूनियर को काम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाद में बोलेगा काम नहीं कंप्लीट हुआ. ही हैज टू कंप्लीट द वर्क. आपने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है. यू कांट से कि आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म द ड्यूटी क्योंकि मेरे जूनियर ने वो काम ही नहीं किया. इट्स योर ड्यूटी टू कीप अ चेक ओवर योर जूनियर एंड यू हैव टू आस्क फ्रॉम हिम अगेन एंड अगेन कि काम कहाँ तक कंप्लीट हुआ. सो इट डजेंट मीन्स एबेडिकेशन. You can't skip your responsibility. It means ki responsibility still lies on your shoulder. ये नहीं है कि delegation कर दी है तो आपकी responsibility खत्म हो गई. नहीं, आपकी जिम्मेवारी as it is रहेगी. Yes, now come to the elements. उस दिन भी मैंने बोला था this is ARA. This is authority. Yes, responsibility and accountability. Authority की दो definitions उसने दे रखी हैं. एक तो authority क्या है? To give orders to others. एक अथॉरिटी क्या है? टू टेक योर ओन डिसीजन. यू आर अथॉरिटेटिव टू टेक योर डिसीजन. मैनेजर ऑफ द बैंक इज एन ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी टू पुट द साइन ऑन द लोन एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख. इट मींस कि आपको अपना डिसीजन खुद लेने की जब पार दे दी जाती है उसे भी अथॉरिटी कहते हैं. सो ही हैज डिफाइंड द अथॉरिटी इन डिफरेंट वेज. वी आर गोइंग टू रीड इट फ्रॉम द बुक. अथॉरिटी रेफर्स टू आपका एक अधिकार होता है. जैसे बैंक मैनेजर का ये अधिकार है ना, किस चीज का? 1 लाख से ज्यादा की लोन के लिए कोई अप्लाई करेगा तो बैंक मैनेजर का राइट है, वही उस पर क्या करेगा? साइन करेगा. राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स. तो अथॉरिटी आमतौर पे हायर लेवल्स के पास होती है. टॉप लेवल के पास अथॉरिटी है कि वो मिडिल को ऑर्डर कर सकता है, कमांड कर सकता है. मिडिल के पास अथॉरिटी है कि वो लो लेवल सुपरिटेंडेंट्स और सुपरवाइजर्स को क्या दे सकता है? कमांड दे सकता है. तो अथॉरिटी एक ऐसी आपके पास राइट है, एक ऐसा पार है आपके हाथों में जिसकी हेल्प से आप अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या दे सकते हो? ऑर्डर दे सकते हो. एक वर्ड उसने लिखा विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन. व्हाट इट मींस? पूरी लाइन इकट्ठी पढ़ो. अथॉरिटी रेफर्स टू, या ही विल राइट अ लाइन, इट रेफर्स टू the right of an individual to command his subordinates and take action within the scope of his position. Within the scope of his position. Undoubtedly, general manager lies in the top level management. So can he order the board of directors? Can he order the CEO? वो उसकी position का scope ही नहीं है. वो अपने से नीचे वाले बंदों को command दे सकता है. उसकी authority अपने subordinates पे apply होगी, अपने seniors पे थोड़ी ना. So this is what he called within his scope of position. आपने अपनी डेजिग्नेशन का ध्यान जरूर रखना है. यू बीइंग अ स्टूडेंट कांट ऑर्डर मी एंड आई बीइंग अ टीचर कांट ऑर्डर प्रिंसिपल. दिस इज व्हाट आई एम जस्ट कंसीडरिंग द स्कोप ऑफ माय पोजीशन. आई एम ऑर्डरिंग टू दोस पर्संस टू हूम आई कैन. आई कांट गिव ऑर्डर टू माय सीनियर्स. सो अथॉरिटी मींस टू गिव कमांड टू योर सबॉर्डिनेट्स ओनली, नॉट टू योर सीनियर्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन. अब हम फ्यूल के स्केलर चेन के साथ इसे रिलेट करेंगे. स्केलर चेन याद है आपको? इन्वर्टेड वी बनाया करते थे. ये ए है, ए ने बी को कोई बात बोली, फिर सी के पास आई, फिर डी के पास आई. इधर ए ने ई को बोली, एफ को बोली, जी को बोली. ठीक है. सो ये सारी लाइंस ऑफ अथॉरिटी हम लोग क्या करते थे? पार करते थे. फिर इंफॉर्मेशन एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक पहुंचती थी. लेकिन इमरजेंसी के केस में बी कैन इवन कम्युनिकेट टू ई. दैट वॉज वी वर कॉलिंग गैंग प्लैंक. तो कहता अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही कैसे अराइज हुआ? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन होती है एंड स्केलर चेन ऑलवेज रन्स इन अ चेन एंड इन स्केलर चेन अथॉरिटी ऑलवेज रन्स फ्रॉम टॉप टू मिडल एंड मिडल टू लोअर. लाइन को देखो पूरा. द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन व्हिच लिंक्स द वेरियस जॉब पोजीशन एंड लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. स्केलर चेन हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताती है. अगर बिजनेस में या आपकी कंपनी में डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही ना होते तो कभी भी अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट ना होता. क्योंकि तब तो सारे एट पैरिटी होते, तब तो सारे एट पार होते, सबकी पार एक दूसरे के बराबर होती. अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट कब आया? एक सुपीरियर है, दूसरा सबॉर्डिनेट. सो दिस कॉन्सेप्ट अराइजेस ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्केलर चेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक और डेफिनेशन दे रखी है. मैंने बोला था ना दो डेफिनेशन है. वन अथॉरिटी इज इट रेफर्स टू गिव द कमांड टू द सबॉर्डिनेट्स, अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देना. सेकंड डेफिनेशन अगले पेज पे है. पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन पता है ना आपको. सीनियर इज हैंडिंग ओवर द प्रोजेक्ट फाइल टू द जूनियर और साथ में उसको कह रहा है जस्ट फील फ्री इफ यू हैव एनी डाउट.
सो ही इज गिविंग द अथॉरिटी टू हिज जूनियर टू कंप्लीट द टास्क. और साथ में ये भी बोल रहा है अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो डोंट हेजिटेट टू कम टू मी, आई एम हियर फॉर योर हेल्प इफ यू नीड. सेकेंड डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन. अथॉरिटी आपको एक पार देती है, आपको पावरफुल बनाती है कि आप अपने फैसले खुद लो और वो फैसले आपकी जॉब से रिलेटेड हैं. इफ यू आर बीइंग डेसिग्नेटेड एज अ मैनेजर ऑफ द कंसर्न तो आप बार बार सबॉर्डिनेट से थोड़ी ना पूछोगे, ना ही अपने सीनियर से पूछोगे. जब आपको एक अलग से कैबिन दे दिया, आपको मैनेजर बना दिया, तो आप अपने डिसीजन खुद लो. आपके रूम के बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई है, आपके पास 15-20 बंदे काम करवाने को हैं जो आपके जूनियर्स हैं, तो यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू आस्क फ्रॉम योर सीनियर अगेन एंड अगेन. यू हैव बीन गिवन द अथॉरिटी कि आप अपने फैसले खुद लो. सो इट रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन. इनहेरेंट, इनहेरेंट हियर मींस अटैच्ड विद द पोजीशन. इनहेरेंट इन अ मैनेजेरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट देम टू डू इट. क्योंकि आप उनके सीनियर्स हैं तो आप ऐसे फैसले लेंगे कि दूसरों से काम कैसे करवाना है. आप अपने जूनियर्स को बताएंगे कि उनको क्या करना है और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो. आप उन्हें टाइम पीरियड बता देंगे, इतने टाइम पीरियड में रह के आपने ये काम करना है. सो दिस इज बीइंग अटैच्ड विद योर मैनेजेरियल पोजीशन. एंड व्हेन यू गेट द राइट टू टेक योर डिसीजन ऑन योर ओन, वी कॉल इट व्हाट, अथॉरिटी. यू नीड नॉट टू आस्क योर सुपीरियर्स अगेन एंड अगेन. आपको उस डिपार्टमेंट का, उस पोजीशन का इंचार्ज बना दिया गया, आपने अपने फैसले खुद ही लेने हैं. दो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इट्स नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लेकिन जो दोनों मैंने स्ट्रक्चर्स करवाई है ना, डिविजनल एंड फंक्शनल, दैट आर द पार्ट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर. इतना बस आपने याद रखो. फॉर्मल का मतलब है विच इज प्रोफेशनली क्रिएटेड, ठीक है. फॉर्मल का मतलब है जो मैनेजमेंट ने खुद स्ट्रक्चर्स बनाई है, एम्प्लॉयज ने ये खुद नहीं बनाई. इनफॉर्मल पता क्या होता है, थोड़ी सी एग्जांपल दे देती हूँ. इनफॉर्मल इज योर ओन फ्रेंडली रिलेशंस, ठीक है. लाइक आपकी कंपनी का जीएम आपका फ्रेंड हो सकता है और आप मिडिल लेवल पे, मतलब यू आर वर्किंग एज ए मिडिल लेवल बट योर कंपनी जीएम इज योर फ्रेंड. तो वहां पे कौन सा रिलेशन है, इनफॉर्मल है. लेकिन जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की बात करती हूँ तो आपका जो फ्रेंड है जीएम वो आपका क्या है, सुपीरियर. सो फंक्शनल रिलेशंस एंड योर डिविजनल स्ट्रक्चर आर द एग्जांपल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फॉर्मल मींस व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट. ये वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो मैनेजमेंट ने क्या करी होती है, क्रिएट करी होती है. इनमें इंप्लॉयज का कोई हाथ नहीं होता. आपका आपस में एक ग्रुप बना लेना, कोई कल्चरल ग्रुप बना लेना या कोई क्रिकेट क्लब खोल लेना, दैट आर द एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि आपकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स मिलती हैं, आप डेली एक दूसरे को ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हो, आप एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हो, आप फैमिली फंक्शंस में भी एक दूसरे को बुलाते हो, दैट इज योर इनफॉर्मल, ठीक है, रिलेशन. लेकिन जो रिलेशनशिप आपकी मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए क्रिएट किया है, दैट इज व्हाट वी कॉल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. क्योंकि लाइन में उसने वर्ड यूज किया था, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग. इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल क्या है, जो मैनेजमेंट ने बनाया है, और मैनेजमेंट हमेशा आपको बताएगी कौन आपका जूनियर है, कौन आपका सीनियर. सो इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी ओरिजिनेट्स बाय द वर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स पोजीशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, एंड से पहले पहले लाइन का मतलब बोलो. इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइजेस और ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन यू आर होल्डिंग. मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ. यू आर होल्डिंग क्या मतलब है इस लाइन का, 5-7 वर्ड जोड़ के एक लाइन बनाई है, क्या मीनिंग समझ आता है. हिंदी में मीनिंग तो समझ आना चाहिए ना. व्हाट डज इट मीन, हु विल टेल, लक्षित बोलो. हाँ दोबारा, नहीं मैंने लिखा होगा वहां पे, लिखा होगा इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द अथॉरिटी ओरिजिनेट्स By the virtue of the position you are holding. मैं बीच में दो वर्ड ऐड कर रही हूँ, यू आर होल्डिंग. जिस पोजिशन पे आप हैं वो पोजिशन आपको बताएगी आपकी अथॉरिटी कितनी है. इसका मतलब ये है अगर आप टॉप पोजिशन पे हैं तो आपका कोई सीनियर है ही नहीं, आप ही सबके सीनियर हो. अगर आप मिडिल पे हैं तो आपका सीनियर है, तो उस केस में आपकी अथॉरिटी सिर्फ किस पे अप्लाई होगी, लो लेवल पे. अगर आप खुद ही लो लेवल पे हो तो आपकी अथॉरिटी किस पे नहीं अप्लाई होनी, बिकॉज यू आर वर्कर. हैड यू बीन द सुपरिटेंडेंट एंड सुपरवाइजर देन यू हैव द अथॉरिटी ओवर वर्कर. So it is your position which tells you to whom you are answerable and to whom you can give command. So आपको अपनी organization में position को जानना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको पता चलता है कि organization में आपकी authority क्या है.
दैट्स व्हाई अथॉरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अगली लाइन फिर से अंडरस्टूड है, पढ़ो। एट द टॉप लेवल द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी इज हाईएस्ट, विल यू एग्री? एट द टॉप लेवल एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी इज हाईएस्ट, दिस लाइन ही कैन पिक। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी इज हाईएस्ट, एट विच लेवल एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी इज निल? लो लेवल, लो में भी शॉप फ्लोर लेवल, क्योंकि लो लेवल में भी सुपरिटेंडेंट और सुपरवाइजर पहले आते हैं, दे आर माई ऑपरेशनल लेवल, लेकिन शॉप फ्लोर लेवल में हमारे वर्कर्स आते हैं। लो लेवल के दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, कभी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया होगा, ये दो पार्ट्स हैं। यहाँ पे मेरे सुपरिटेंडेंट्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, और उनके नीचे जो है वो वर्कर्स हैं, ठीक है। सुपरिटेंडेंट और सुपरवाइजर्स को मैं ऑपरेशनल लेवल कहती हूँ, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा क्योंकि कहीं पे उसने मेंशन नहीं किया। और जिस लेवल पे वर्कर्स रहते हैं उन्हें हम लोग शॉप फ्लोर लेवल कहते हैं, सबसे नीचे वाला लेवल, फ्लोर जमीन बोलते हैं ना जिसे, शॉप फ्लोर लेवल, वहां पे हमारे क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। सो एट विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट योर अथॉरिटी विल बी हाईएस्ट, रिपीट विद मी, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट द एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी विल बी हाईएस्ट, यस, एंड रिड्यूसेस सक्सेसिवली एज वी गो डाउन द कॉर्पोरेट लेडर। कहता है इस कॉर्पोरेट लेडर मतलब इस सीढ़ी से जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी कम होता जाएगा। ये सीढ़ी है ना एक तरह की कॉर्पोरेट लेडर, विच वी कॉल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे टॉप टू मिडल आएंगे अथॉरिटी का लेवल कम हो जाएगा, मिडल से लोअर आएंगे और अथॉरिटी का लेवल कम हो जाएगा। सो अथॉरिटी फ्लोस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इज इट ट्रू और फॉल्स? अथॉरिटी फ्लोस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिवर्स फ्लो इज नॉट पॉसिबल। सो व्हेन आई टॉक अबाउट टॉप टू बॉटम इट मींस की डाउनवर्ड फ्लो, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोस डाउनवर्ड, तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, so authority flows from top to bottom, the superior has authority over the subordinate but vice versa is not there, what is the meaning of top to bottom, that is superior has authority to give command to subordinate but subordinate has not any authority to give order to the superior, vice versa is not possible। आगे चलते हैं, कितना कुछ अथॉरिटी के बारे में लिखा है, तीन चार पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में से दो तीन क्वेश्चन तो बनते ही हैं। That's why I always recommend read your NCERT line to line, ठीक है। फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा कि मैम ने कभी डिस्कस नहीं किया या हमने कभी पढ़ा नहीं, पेपर आना तो बुक में से ही है ना, बुक के बाहर तो नहीं ना आना कुछ भी, देन वी हैव टू प्रिपेयर ourselves, नाउ स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि सिलेबस इज ऑन द वर्स ऑफ कंप्लीशन, सो यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। आई विल ऑल्सो बी यूजिंग ऑल्टरनेट डेज फॉर अकाउंटेंसी, बट अगेन आई विल बी रिवाइजिंग द चैप्टर्स, अभी मैं कुछ और नहीं करवाऊंगी, राइट? So this thing you have to keep in mind. आगे चलते हैं, authority relationship helps to maintain order. Order word को underline करो. What is the meaning of order? Order का मतलब ये है कि मैंने आपको order दिया, ये board के लिए display chart बना देना, order का मतलब यहाँ पे क्या? No, order का मतलब वो भी नहीं है, order का मतलब no, order, everything is in order, principle of order, right things at right place, हाँ ये system है, बिल्कुल अगर आपको अपनी अथॉरिटी रिलेशनशिप्स के बारे में पता है, आपको पता है आपका कौन सा बॉस है, आप उसको यस बोलोगे? क्योर्स थोड़ी ना होगा किसी किस्म का, आपका बॉस आप ही को ऑर्डर करेगा और आपको उसकी बात माननी होगी, मतलब किसी भी तरह की मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होगी, किसी भी तरह की अनसेटिस्फेक्शन नहीं होगी, किसी भी तरह की नॉन क्लैरिटी और वेगनेस नहीं होगी, एम्बेजिटी नहीं होगी, एवरीबडी विल बी क्लियर टू होम वी आर आंसरेबल, एवरीबडी विल बी क्लियर टू होम वी हैव टू से यस, राइट? तो देखो क्या लिखा, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स हेल्प्स टू मेंटेन ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग द मैनेजर द राइट टू एग्जैक्ट ऑबीडियंस, व्हाट इट मींस, व्हिच गिव्स द राइट, गिविंग द मैनेजर्स द राइट टू एग्जैक्ट ऑबीडियंस। एग्जैक्ट ऑबीडियंस मींस लोग मेरे आज्ञाकारी बने, ऑबीडियंट बने, जो मैं उन्हें बोलूं वो उस बात को माने, और मैनेजर को ये राइट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है कि उसकी बात को कोई भी ना नहीं बोलेगा। अगर किसी ने ना बोला और आगे से जवाब दिया नो में, तो ही और शी कैन बी सस्पेंडेड, क्योंकि मैनेजर को ना बोलना, जैसे आर्मी में बोलते हैं ना, कैप्टन को ना नहीं बोल सकते हो आप, हूएवर इज लीडिंग दैट पर्टिकुलर बटालियन, ठीक है, उसका जो भी कैप्टन और लेफ्टिनेंट होता है, आप उसे ना नहीं बोल सकते हो, बिकॉज द मोस्ट स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन इफ यू वॉन्ट टू सी, तो वी ऑलवेज रेफर द एग्जाम्पल ऑफ आर्मी, ठीक है। तो वहां पर आप कभी भी अपने सीनियर के आगे बोल नहीं पाते। देखिए किसी ने शेरशाह देखिए, ठीक है, उसमें अच्छा उसने बताया हुआ सीनियर और जूनियर का रिलेशन, तो उसको हम लोग अपनी मैनेजमेंट के साथ भी रिलेट करते हैं,
वंस ही आस्क कि मैंने ये ऑपरेशन किया, अपने सीनियर को पूछता है, वो सिद्धार्थ मल्होत्रा इज द मेन कास्ट, वो उसको पूछता है कि आपको कैसे पता चला, आप तो अभी वहां पे आए नहीं थे उस स्पॉट पे, मिलिटेंट्स को वो कहीं शूट कर देते हैं। तो वो यही कहता है उसको जवाब में, आज तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, आज के बाद मत पूछना, और अभी तेरी 2 दिन की पनिशमेंट है, तूने रात को ड्यूटी पे निकलना, अदरवाइज दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट कि वो ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल था। तो सीनियर से आप काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हो। तो इसी तरह से वो अथॉरिटी में क्या कहता है, हमारे मैनेजर के पास एक तरह का राइट आ जाता है कि उनको कोई ना नहीं बोलेगा, हर कोई उनको यस बोलेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल दे गेट अ राइट टू सीक द एग्जैक्ट ऑबीडियंस। ऑबीडियंस, एवरीबॉडी विल बी ऑबीडियंट सिंसियर, एवरीबॉडी विल बी, हिंदी और पंजाबी में बोलेंगे, आज्ञाकारी। जो आप बोलोगे वो आपकी बात मानेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑबीडियंस। तो दिस लाइन अगेन ही कैन पिक ऑबीडियंस, कितना ऑड सा वर्ड बीच में यूज किया, बट इट इज बीइंग रिलेटेड विद अथॉरिटी, राइट। एंड गिव डायरेक्शन टू द वर्कफोर्स अंडर देम, जो बंदे उनके नीचे काम करते हैं उनको वो डायरेक्शंस देंगे, और उनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उन बंदों को सारा काम करना होगा। नोबडी कैन से एवर नो टू हिज और हर बॉस, टू हिज और हर सुपीरियर, एवरी टाइम दे हैव टू से, बिकॉज़ बॉस इज ऑलवेज राइट। दिस फंडा यू हैव टू अडॉप्ट इन योर लाइफ। कल को आप भी कहीं पे जॉब करोगे तो बॉस के आगे कोई नहीं बोल पाएगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू सेव आवर जॉब ऑल्सो। बॉस गलत होने के बावजूद भी हमने उसे सही बोलना है। बॉस दिन में कहता है कि रात है और तारे गिन के बता, तो आप गिनने शुरू कर दोगे, बिकॉज ही इज बॉस, ठीक है। अगर कहीं आगे बोल गए तो या तो वो ट्रांसफर कहीं पे कर देगा, ऐसी जगह कर देगा, या आपके अगेंस्ट नेगेटिव रिमार्क लिखेगा, प्रमोशन वगैरह रुक जाएगी, इंक्रीमेंट रुक जाएगा। बेटर है कि बॉस को यस बॉस ही बोले, ठीक है। और बॉस हमेशा अपने बारे में गाना गुनगुनाता रहता, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ठीक। और बॉस को कभी भी आप आगे से जवाब नहीं दे पाते। दिस इज व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, आपकी पोजीशन आपको अथॉरिटी देती है। हाँ, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हाँ, अगर आप भी बॉस हुए तो फिर आप अपने आप को बेस्ट बोलोगे ना, फिर आपके आगे कोई नहीं बोल पाएगा। कभी तो जब लाइफ में कुछ स्टार्ट करेंगे तो कभी तो किसी के जूनियर रहेंगे, ट्रेनिंग के टाइम पे। समटाइम्स यू हैव टू लर्न, देन ओनली यू विल बी अचीविंग द हाई पोस्ट। सीधा तो नहीं लाइफ में, इतना तो पकी पकाई खीर किसी को भी नहीं मिलती। एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, किसी के आगे तो सीखोगे पहले, कभी तो कोई ना कोई बॉस होगा ना। सो डोंट आर्गू विथ हिम और हर। चलो जी, ठीक है, होगी बॉस की बात, बॉस गिरी खत्म, आगे चलते हैं। फिर से अथॉरिटी के बारे में, अथॉरिटी डिटरमिन्स द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। द डे वी स्टार्टेड दिस चैप्टर आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। अथॉरिटी ही तो हमें बताती है कौन किसका बॉस है। मैंने अभिषेक को कुछ करने को बोला तो पता चल गया ना मैं उसकी सीनियर ही रही होंगी, तभी मैंने कुछ बोला, अभिषेक ने मेरे को कोई ऑर्डर नहीं दिया, इट मींस कि वो मेरा जूनियर ही रहा होगा। यू आर गेटिंग मी? तो अथॉरिटी आपको बताती है कि आपका सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन कैसा है, कौन किसका सुपीरियर है। एक्सपेक्टिंग कंप्लायंस फ्रॉम हिम, सुपीरियर हमेशा मांगेगा अपने सबॉर्डिनेट से कि जो तेरे को बोला गया तो कंप्लीट कर। यू हैव टू कंप्लाई ऑल द मैटर्स, ऑल द टास्क विच आई हैव एलोकेटेड टू यू। जो मैंने तेरे को एलोकेट किया है, जो मैंने तेरे को असाइन किया है, वो तूने कंप्लाई करना है, मींस कंप्लीट करना है। एंड सबॉर्डिनेट एग्जीक्यूट्स द डिसीजन एज पर यस। सुपीरियर ने जैसी गाइडलाइन दी, जैसी इंस्ट्रक्शन दी, सबॉर्डिनेट को वैसे ही काम करना होगा। The extent to which a superior can exact compliance also depends upon the personality of the superior. This is the line to be underlined. You as a senior need not to be sunki every time. You as a senior need not to be strict every time. You can even be the friend of your subordinates. कई बार अगर आपके अपने subordinates के साथ friendly relation होते हैं तो भी वो आपकी बात मानते हैं। Is it clear to you? ठीक है, अब सीनियर की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी उसके सबॉर्डिनेट उसकी बात को मानते हैं, कितनी जल्दी वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को गेन करते हैं। एक तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल, एक उसकी पर्सनालिटी डोमिनेटिंग होनी चाहिए। मींस हर सबॉर्डिनेट के मन में उसका कोई डर और खौफ जरूर होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा लीनियंट भी नहीं होना, अदरवाइज ऑल द बॉसेस नीड टू बी स्ट्रिक्ट। बट वंस इन अ व्हाइल दे कैन बी lenient when they are organizing a party and thereby he himself announces, hereby I am not your boss, we are at par. So वहाँ पे आप अपने emotions उसके साथ share कर सकते हो, आप उसके साथ freely बात कर सकते हो, like that way. Otherwise कहता आपके juniors आपकी बात कितनी मानते हैं ये आपकी अपनी personality पे depend करता। Will you agree with the statement? Is it true? True है ना ये line? इस line को भी underline करके रखो, ये true false की form में पूछ सकते हैं, ठीक है। I am repeating the line. The extent to which a superior can exact compliance, मतलब किस डिग्री तक, किस लेवल तक
मेरे सुपीरियर की बात मानी जाए वो किस पे डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द सुपीरियर. एवरी टाइम यू आर जस्ट एंग्री विद द सबॉर्डिनेट्स, आप हमेशा उनकी बातों को क्रिटिसाइज करते रहते हो, तो कभी ना कभी सबॉर्डिनेट भी ये बोलेंगे ना, भाड़ में जाए ये जॉब और मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, और पूरा आपका पूरा ग्रुप अगर छोड़ के चला जाएगा और आपके इस बिहेवियर के कारण यू नो व्हाट विल बी द सेटबैक टू द कंपनी. सो एवरी टाइम यू नीड नॉट टू बी अ बिग क्रिटिक, एवरी टाइम यू नीड नॉट टू बी स्ट्रिक्ट विद योर एम्प्लॉइज, समटाइम्स यू कैन बिहेव फ्रेंडली विद योर सबॉर्डिनेट सो दैट दे फील कूल इन दैट जॉब एटमोस्फेयर. ठीक है, हमेशा इतना मतलब टाइट सा एटमोस्फियर नहीं रखो. अगर आप चाहते हो कि आपके सबॉर्डिनेट आपकी हर बात माने तो उन्हें थोड़ी सी रिलैक्सेशन तो दो, ठीक है, सांस लेने का टाइम तो दो, उनको कुछ स्पेस तो दो. बोलते हैं ना कि आई वांट अ स्पेस मींस आई वांट सर्टन रिलैक्सिंग आवर्स, कुछ मेरे को भी रिलैक्सेशन मिले, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले, मेंटल रिलैक्सेशन मिले, मेंटली आई शुड फील फ्री, मेरे को हर टाइम स्ट्रेस नहीं चाहिए. तो सबॉर्डिनेट को जब जरूरत से ज्यादा जॉब का स्ट्रेस रहता है, और वो आमतौर पे बॉसेस के कारण होता है, और कई केसेस हम लोगों ने ऐसे सुने हैं जब बॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहता है या क्रिटिकल व्यू रखता है तो कई इंप्लॉयज इस वजह से भी सुसाइड कर लेते कि वर्क कल्चर उसको अच्छा नहीं मिला. कंड्यूसिव वर्क कल्चर इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द सुपीरियर, यू नो, सो सुपीरियर नीड टू बी लीनियट सम टाइम, देन ओनली ही विल बी एंजॉयिंग हिज अथॉरिटी इन अ गुड मैनर. आगे चलते हैं. It must be noted that authority is restricted by laws. Who will define your authority? Ki this is your power. Who will tell you ki this is your power? Matlab this is your decision making power. Company ke laws, company ke rules. Yahan pe law wo kanoon wale law nahi hai. Company ke rules ne aapko bataya ki har bande ki kitni authority hai. Har banda kis kis bande ko aage order de sakta hai. And the rules and regulation of the organization, which limits its scope. फिर से ये line important है. However, as we go higher up in the management hierarchy, the scope of authority increases. This is the repetition. कहता जैसे ही हम लोग bottom से upper level की तरफ जाएंगे, हमारा जो scope of authority है वो बढ़ता ही जाता है. Low level की authority बहुत कम होती है, middle की थोड़ी सी उनसे ज्यादा हो जाती है, और top management से ज्यादा तो किसी के पास authority ही नहीं होती. ठीक है ना? So as we move from bottom to upper levels, the scope of the authority tends to increase. This was my first element. Still 10 minutes are there. Ho gaya gesture communication? Ek communication chapter bhi hai humare mein. Gesture communication. Thik hai? Gesture communication means eyes se bhi communication hota hai. Thik hai? Guest aaya, toh mainne waise peon ko bula liya ki tu chai liya. Saath mein ye bhi keh diya ki koi zurat nahi, ye 5 minute mein chala jayega. Iska matlab hai laane ki zurat nahi, mainne chai keh diya. Muh se bol ke kaha, कि चाय लिया इसके लिए और ऐसे कह दिया फिर. दिस इज व्हाट जेस्चर कम्युनिकेशन. ठीक है, कंजूस किस्म का होगा ना बॉस कि मैंने 5 मिनट में इसे सड़का देना है और जरूरत नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर सिलेबस वी विल डू इन कम्युनिकेशन डायरेक्टिंग में. चलिए जी, लेट्स मूव टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी करके सिंगल पैराग्राफ है, वी विल वाइंड अप. ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टैगलाइन याद रखिएगा, इट इज एन ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ टास्क, असाइंड टास्क. ये आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कंधों पे इसका भार है. जो काम आपको बोला गया है करने को वो आपको करना है. यू आर ऑब्लिगेटरी टू कंप्लीट द टास्क. आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं कर सकता, आपको वही जिम्मेवारी दी जाती है फॉर विच यू आर कैपेबल फॉर. नहीं भी है तो टेक इट एज अ चैलेंज ना, सीखो. ठीक है, अगर आपके सुपीरियर ने आपको बोल ही दिया कि तूने ये काम करना है तो मींस करना है, बिकॉज ही इज योर सुपीरियर एंड यू कांट अफोर्ड टू से नो टू हिम. हाँ, अगर मन बना लिया कि जॉब छोड़ के जाना है, फिर तो जितनी बार मर्जी ना बोलो, फिर तो जितनी बार मर्जी आर्गुमेंट करो. हाँ, प्रोवाइडेड अनदर जॉब शुड बी इन योर हैंड, तभी आप पुराने वाली छोड़ोगे ना. इतना तो प्रोफेशनलिज्म सीख लिया होगा प्लस टू में आते आते कि कल को हमने भी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करके कहीं ना कहीं जॉब करनी है, तो दिस शुड बी, वी शुड नो एटलीस्ट कि अगर मैं पुरानी जॉब को छोड़ने को तैयार हूं तो मेरे पास अगली जॉब का कोई अच्छा पैकेज इन हैंड होगा, तभी मैं छोड़ूंगी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ असाइंड टास्क. आपको जो काम करने को बोला गया है, कितनी समझदारी से आप वो काम करते हैं, कितनी शिद्दत से आप उस जिम्मेवारी को निभाते हैं, वही क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑब्लिगेशन वर्ड अंडरलाइन कर लो, वही टैग वर्ड है. जहां कहीं ऑब्लिगेशन आएगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. इफ अथॉरिटी अराइजेस ड्यू टू सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो अराइजेस ड्यू टू सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, इजंट इट. जिसको आपने अथॉरिटी दी है साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है. अथॉरिटी चाहे सारी डेलीगेट हो जाती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली अ पार्ट. कल को काम कंप्लीट नहीं होगा तो सीनियर इज ऑल्सो लायबल टू आंसर,
टू हिज सीनियर, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डिवाइडेड ओनली इन पार्ट्स, इट अराइजेस फ्रॉम अ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज सबॉर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड टू हिम बाय द सुपीरियर. तो अगर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप ना होता फिर तो सारे बराबरी पे होते ना, फिर तो कोई किसी को ऑर्डर करता ही ना, सारे अपना अपना काम करते, कोई भी किसी को यस बॉस नहीं बोलता क्योंकि सारे सेम लेवल पे हैं. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, बिकॉज देयर आर सर्टेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो इट ऑल्सो हैपेंस, इट ऑल्सो अराइजेस ड्यू टू द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. यस, अगली लाइन याद रखिएगा, अथॉरिटी कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. This is authority. A, he says the responsibility moves from bottom to top. Will you agree? Will you agree? We are responsible to our seniors, na? We are obligatory to them. They to just gave me the order, and I am obligatory to them to complete the task. उन्होंने मेरे को order दिए. Order always flows from top to bottom. लेकिन ये जो जिम्मेवारी है काम को complete करने की, ये कहाँ से कहाँ जाएगी? From bottom to top. Will you agree? Both are moving in reverse direction, but both should run parallel to each other. Fuel का principle याद रखिए, parity between authority and responsibility. जितनी किसी को authority दी है उसके बिल्कुल parallel responsibility भी देना. अगर ये authority दे दी कि तू production manager है, सामान तूने 10 लाख का खरीद के लेके आना है और अच्छी किस्म का होना चाहिए, ये responsibility है. 10 लाख का सामान खरीदना है, अच्छी किस्म का खरीदना है, लेकिन authority दी नहीं, पैसा दिया ही नहीं उसे, और पैसा कितना बोला कि सिर्फ 5 लाख ले ले फाइनेंस मैनेजर से, अकाउंट्स मैनेजर से, या पहले मनी एलोकेट करी नहीं और ये बोल दिया कि 10 लाख का सामान खरीद के लेके आना है. विल यू बी एबल टू कंप्लीट द टास्क? नो, क्योंकि आपने अथॉरिटी नहीं दी. पहले अथॉरिटी दोगे फिर साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करोगे. मान लो अथॉरिटी दे दी और साथ में ये बोला ही नहीं कि अच्छी किस्म का लेके आना, ही कैन मिस यूटिलाइज द मनी ना. वो 5 लाख का खरीद के लेके आएगा, मैनिपुलेशन करके बिल 10 लाख का ही बना लेगा, बाकी 5 लाख अपनी पॉकेट में डालेगा, बिकॉज ही वॉज नॉट बींग स्ट्रेस्ड अपॉन. राइट, तो उस केस में अथॉरिटी कैन बी मिसयूटिलाइज्ड. तो ही ऑलवेज सेसेस अगर किसी को अथॉरिटी दी है तो बिल्कुल उसके पैरेलल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना. बट बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स रन्स ऑपोजिट टू ईच अदर, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल होती है. डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है बट दे रन पैरेलल टू ईच अदर. यू आर गेटिंग मी? पैरेलल मींस अगर किसी को अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है, अगर किसी को किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया है तो उसे अथॉरिटी भी जरूर मिलनी चाहिए. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. I must say this, right? An important consideration to be kept in view with respect to both, yep, ab dono ka relation hai is paragraph mein, with respect to authority and responsibility is that when an employee is given a responsibility for a job, he must also be given the degree of authority necessary to carry it out. Agar kisi ko koi zimmewari di gayi hai to us zimmewari ko nibhane ke liye authority bhi bilkul uske barabar ki deni hai taki wo us zimmewari ko aasani se nibha le. 1 week में सामान आ जाना चाहिए और सुपीरियर किस्म का होना चाहिए, घटिया किस्म का सामान हम नहीं लेंगे, पैसे दिए ही नहीं. विल ही बी एबल टू कंप्लीट दैट टास्क? विल ही बी एबल टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी? नॉट एट ऑल. मैं तेरे को 10 लाख इशू कर रहा हूँ, 10 लाख का बिल मैं आके चेक करूंगा, सामान की क्वालिटी भी मैं लैब से जाके चेक करवाऊंगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. अगर मेरे को कोई भी खामी मिली तो यू कैन इवन बी सस्पेंडेड. इस तरह का अगर डर होगा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे ढंग से निभाएगा ना, ठीक है? पैसे उसे दिए, साइन भी करवा लिए, यस आई रिसीव 10 लाख, अथॉरिटी भी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, डेफिनेटली वो अपना काम अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेगा. राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट कमेंसुरेट. कमेंसुरेट मींस शुड बी इक्वल, ठीक है, बिल्कुल उसके पैरेलल होनी चाहिए विद द असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितनी अथॉरिटी दी है उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है. अब आप मेरे को बताओ, इफ authority is more than responsibility, what will be the result? If authority is more than responsibility, than than wala, yes, authority can be misused. If responsibility is more than authority, then work can't be completed. There will be no surety for the completion of the work. Bola 10 lakh ka saman khareed ke leke aana, abhi tak issue sirf 2 lakh ki hai. Saman kahan se acha aayega aur badhiya kisam ka aayega? Theek hai na? तो बोथ शुड रन पैरेलल टू ईच अदर. देखो लाइनें जो हमने डिस्कस करी वही लिखी है. इफ अथॉरिटी ग्रांटेड इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मे लीड टू मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी. इफ द रिवर्स हैपन, इट मे मेक अ पर्सन इनइफेक्टिव. इनइफेक्टिव मींस वो अपना काम टाइम पे नहीं कर पाएगा,
एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी, वो टाइम पे कंप्लीशन ऑफ जॉब को श्योरिटी नहीं दे पाएगा. सो बोथ शुड रन पैरेलल टू ईच अदर. ए शुड नॉट बी ग्रेटर देन आर एंड आर शुड नॉट बी ग्रेटर देन ए. Both should be equal to each other. That is, A should be equal to R. A means authority and R means responsibility. So that is enough for today. Baki kal continue karenge. When? Okay, whenever you are coming to school next day.